आज अलीगढ़ पब्लिक स्कूल दुमदुमा करमगंज जिला दरभंगा में भारतीय मोमिन फ्रंट का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी नेतृत्व नजीर अहमद अंसारी प्रधान महासचिव भारतीय मोमिन फ्रंट बिहार ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फहीम हुसैन युवा जिला अध्यक्ष जिला दरभंगा द्वारा और संचालन श्री तौकीर अहमद ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट श्री महबूब आलम अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास यादव तथा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद मसरूल हसन अधिवक्ता, अनवर अली उर्फ गुलाम वार्ड पार्षद, किशोर जी, मोहम्मद कादिर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। टीचिंग से बिलोंग करता हूं और एक टीचर्स का और एक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं उसको एक नया और अच्छा बदलाव करना। तो उस लिहाज से नज़ीर अहमद साहब ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी। तो बीइंग ए टीचर, मैं एक जिम्मेदारी को इस तरीके से लेता हूं कि एक समाज में नया बदलाव आए और उसमें तमाम लोग सुख संपत्ति के साथ रह सके और एक हमारे मुल्क का एक अच्छा मुस्तकबिल बने। और महज सिर्फ ये नहीं कि दूसरों को ब्लेम देना और प्रॉब्लम को सुनना, बल्कि उस ब्लेम को ख़त्म करना और प्रॉब्लम को ख़त्म करना। और पार्टी जो भी मुझे ज़िम्मेदारी देगी उस ज़िम्मेदारी के हिसाब से मैं अपने काम को करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा मकसद यही है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर बने। हम लोग आपके दरभंगा में भारतीय मोमिन फ्रंट का जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग बुलाए हैं और मकसद यह है कि मुल्क के जो निज़ाम है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं और उसको बदलना हम लोग को है। इस मुल्क के जो व्यवस्था है इसमें आमूल चूल परिवर्तन लाना है और जनसंख्या के अनुपात से हर जाति को उसकी पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, गरीब गुरबा का थाना में सन्हा नहीं लिया जाता है, ब्लॉक में गरीबों का काम नहीं होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की बड़ी जमात बनाएं और इस मुल्क से जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं उनको हटा करके ईमानदार लोगों को सत्ता में लाएं, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य। और इस चुनाव में जैसा हमारे बिहार प्रदेश तय करेंगे उसके मुताबिक।